दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पाकिस्तान हाई कमीशन पर किया प्रदर्शन। ननकाना साहिब पर हुए हमले की निंदा करते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव एवं तिलक नगर से कांग्रेस के नेता राज बहादुर चौहान ने भी अपनी पूरी टीम के साथ भाग लिया और पाकिस्तान को चेतावनी दी। जानदियां ने कि अज पाकिस्तान दे विच साढ़े सिख भरावां दे नाल की वापरिया, उहदा कारण की है तुसीं सब समझदे ही हो कि सब तो पहला तो हिंदुस्तान दे विच ही मनोरिटीज़ इन्नियां अनसेफ फील कर रही ने। अज नरेंद्र मोदी दे प्रधानमंत्री तो बनन तो बाद इत्थे मनोरिटीज़ बहुत अनसेफ ने, यही कारण है, यही मैसेज पाकिस्तान दे विच गया, जिस कारण अज पाकिस्तान वालियां दी इन्नी हिम्मत वध गई कि साढ़े सिख भरावां ते हमला किया, साढ़े गुरद्वारा साहब ते पथराव किया। लेकिन तुसी की सोच रहे हो कि अगर जिते जिले पथराव किया गया उ गुरु अपने ग्रंथ साहब जी के भी एक्शन आ सकता कि उहदे वालों की सरकार की कर सकती है, तुहाडे वालों की उन्हां दी मदद हो सकती है? मदद सब तो पहला तो मैं कहाँगा कि अज गुरद्वारा साहब के 200-300 लोग लोके छुप के खड़े हुए हैं और बाकी सारे मुस्लिम बार इटे और पत्थर लैके खड़े हुए हैं कि यह माहौल ठीक है कि अपने उन्होंने पाकिस्तान च भी रहने का हक नहीं है। अज जिमें कि सारे असं ननकाना साहब मत्था टेकन जाने हिंदुस्तान के सिखों के दिल च भी डर पाया जा रहा है कि सिख सारे पाकिस्तान ना आन। लगता कि यह माहौल अगे तो गर्म हो बढ़ता जाएगा या इस चीज़ से लगाम भी की जा? जब तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेगा तद तक हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सारे भाईचारे को खराब करता रहेगा। जब भी कोई इलैक्शन आते हैं कोई ना कोई बहाना बना के ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है।